स्वागत है आप सभी का यहाँ पर उदय क्लासेस में। ज्योग्राफी क्यूज क्लास 10 के बच्चों के साथ जारी है और सामने ध्यान देते रहेंगे और जवाब देते चलेंगे। बताएंगे जलोढ़ मृदा आयु के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो। बहुत अच्छा जवाब अच्छे से देंगे। जलोढ़ मृदा किन तत्वों से मिलकर बना है? फास्फोरस, पोटास एवं चूना। जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा किन फसलों के लिए उपयुक्त है? चावल, गेहूं और अन्य दलहन फसलों के लिए। नेक्स्ट, सूखे क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। नेक्स्ट, उन राज्यों के नाम लिखें जहां काली मृदा पाई जाती है। उन राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। लाल एवं काली मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात, छत्तीसगढ़। वन मिनट, क्या हो? काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। नेक्स्ट आपका था ना, लाल एवं पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? अंबुज, लाल एवं पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है सानू? उड़ीसा छत्तीसगढ़। ठीक है अंबुज जी, आपका यहाँ पर जवाब गलत होता हुआ, लेकिन आप बहुत लंबा प्रयास किए हैं। ठीक है, तो बाकी बच्चों के साथ मिलते हैं अगले राउंड में।